अब बीमारी देखो, ये लोगों को देखो, हवलदार भी नहीं है। ओहो देवा, ठीक करते रे। है बीमारी में समझ में नहीं आता, करे तो क्या करे। ए देवा मेरे को ठीक कर दे देवा। मैं नारियल फोड़ेगा, मुझे डॉक्टर बच्चन से मिला दे। मुझे एड्रेस क्या दिया समझ में नहीं आता, घूम फिर के। अरे डॉक्टर बच्चन साहब आप होली कैसी रही आपकी? अरे डॉक्टर साहब होली काय का, होली के दिन तो काम और बढ़ जाता है। अच्छा फिर तो आपका बीमारी और बढ़ जाएगा। मुंह खोलिए। आय हाय हाय हाय, हो गई ना गड़बड़। बोले थे आपको आके चेक करा लीजिएगा महाराज, आप आए नहीं। अरे हम तो आपका क्लिनिक कितना ढूंढे, मिले ही नहीं। जाने दीजिए अब कोनो फायदा नहीं है। अब तो हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे। अरे रुकिए, अरे डॉक्टर साहब बताइए हमको क्या हुआ है। थोड़ा मुंह और खोलिए। हाँ वो थोड़ा स्ट्रेस के वजह से ना आपको निक्रोफेलिया हो गया है। निक्रो? हाँ। ये क्या? उधर देखिए नीरो। अब मेरी वाइफ आपको प्रेग्नेंट नहीं दिख रही होगी। हाँ वो कैसे? निक्रोफेलिया की वजह से। ये वो आप एक काम कीजिए, इससे पहले कि आपकी आंख एकदम खत्म हो जाए, आप आके चेक करा लो ना भाई। कहा? वहीं जूह पे, किसी को पूछो ना डॉक्टर बच्चन पहुंचा देगा। अरे डॉक्टर साहब हम आए थे जूह पर, हम आए थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे हम आए थे लेकिन लोग हमें घुमा फिरा कर अमिताभ बच्चन के घर के सामने खड़ा कर देते थे। लोग हमको डॉक्टर बच्चन साहब के क्लिनिक के सामने खड़ा करते थे लेकिन आंखों की वजह से हम अमिताभ बच्चन का घर समझते थे। हाँ हम समझ गए। अरे डॉक्टर साहब हम समझ गए, अब हम आ जाएंगे। तो के पता बा, हमके हमेशा से एगो पागल लड़का चाहत रहे, बिल्कुल हमरे जैसन, और तू एकदम वैसन है बाड़ा। यही से तो हम तो से प्यार कर बैठल हैं। पता न कहें आज अपने ही मेहरारू के मुंह से प्यार शब्द सुन के अच्छा ना लगत रहे। कहें कि कहीं न कहीं हमार मेहरारू अंजलि के साथ धोखा रहे। लेकिन हमके कबो धोखा मत दिया। ए, तो ही हो अंजलि लेकिन एहसास अलग है। ये वह तन है लेकिन राहत अलग है।